আজকে এখানে আমাদের আগরতলা শহরের ত্রিপুরার ইলেকশনের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন এখানে এখানে প্রেস কনফারেন্সের জন্য সুপ্রিয়া শ্রীনিজি, যিনি আমাদের ন্যাশনাল চেয়ারপারসন সোশ্যাল মিডিয়া এন্ড ডিজিটাল কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে, এবং আমাদের সিনিয়র ন্যাশনাল স্পোর্টস পার্সন। আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে বা প্রেস বার্তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উনি ত্রিপুরার ইলেকশন সম্বন্ধে বিগত 5 বছরে বিজেপি সরকার যে সন্ত্রাস করেছে, জিনিস গভর্নেন্স করেছে সেই সম্পর্কে, এবং আগামীকালে যদি কংগ্রেস এবং লেফটের জোটে সরকার আসে তাহলে আমরা কি কি নিয়ে কাজ করতে পারি সেই সম্পর্কে কিছু কথা বলবেন, উনি বলবেন, এবং ওনার পরে আমরা প্রশ্ন নেব আপনাদের থেকে। আমি হিন্দিতে ওনার ইন্ট্রোডাকশনের জন্য আমার যে কলিগ আছেন এখানে উইং কমান্ডার অনুমা আচার্য, ওনাকে রিকোয়েস্ট করবো উনি খুব সংক্ষেপে হিন্দিতে ওনার ইন্ট্রোডাকশন করে দিন, এবং তারপরে আমরা চলে যাব প্রেসের প্রেস বার্তা এবং প্রেসের কোশ্চেন আনসার সেশনের জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ত্রিপুরা কা জো চুনাও হ্যায় উসমে বহুত সারে মুদ্দো পর চর্চা হো রহি হ্যায়, উসমে চর্চা হো রহি হ্যায় বেরোজগারি পর, উসমে চর্চা হো রহি হ্যায় 5 সাল কে জুমলো পর, उसमें चर्चा हो रही है तथाकथित डबल इंजन की सरकार ने कैसे इस प्रदेश के साथ धोखा किया, उसमें चर्चा हो रही है कितने नॉन सीरियसली त्रिपुरा को लिया जा रहा है, हर तरह की चर्चा है। लेकिन जिस चर्चा के लिए त्रिपुरा आज राष्ट्रीय राजनीति का विषय बना हुआ है वो अपने आप में बेहद शर्मिंदा करती है और अपने आप में गंभीर विषय है। आजादी के 75 साल बाद हम देश में रक्त रंजित राजनीति का अगर कहीं पर विभत्स रूप देख रहे हैं तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा से तमामों ऐसी खबरें आती हैं जहां पर कभी किसी के ऊपर हमला हो जाता है, कोई बाइक्स पर गुंडे आते हैं, कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाता है, अनर्गल पुलिस FIR की जाती है, महिलाओं को डराया धमकाया जाता है, मारा पीटा तक जाता है, और ये छोटे से लेकर बड़े लीडर सब के साथ हो रहा है विपक्ष में। विपक्ष में अगर आप हैं तो आपका काम है आवाज उठाना, आपका काम है सरकार से सवाल पूछना, आपका काम है विफलताओं को उजागर करना, और लोकतंत्र में जितना जरूरी सरकार है उतना ही और शायद इससे कहीं ज्यादा जरूरी विपक्ष है, क्योंकि जो भी विपक्ष में होता है वो लोगों की आवाज बनके सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन त्रिपुरा के विपक्ष को बजाय कि ये मौका दिया जाए कि वो सवाल पूछे, त्रिपुरा के विपक्ष को रक्त रंजित किया जाता है, लहू लुहान किया जाता है, इस तरह से पीटा जाता है, इस तरह से हमला होता है कि त्रिपुरा के विपक्ष के लीडर अस्पताल पहुंच जाते हैं। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ, आप इस बारे में मुझे रेपिटेशन होगा आपके साथ में इस बात को करना। अभी 29 जनवरी हमारी बाइक रैली निकल रही थी, हमारे यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार जो खुद एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं उन पर हमला हुआ, और ऐसा हमला हुआ कि उनको अस्पताल पहुंचना पड़ा, उनका MRI हुआ। आपने सुना है किसी और प्रदेश में देश के जहां पर ये रक्त रंजन हो, जहां पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बनने की कोशिश हो, जहां पर विपक्ष के नेताओं पर ऐसा हमला हो कि उनकी मौत हो सकती हो? NCERT डेटा के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में ही पूरे देश में पॉलिटिकल वायलेंस त्रिपुरा टॉप पर आता है, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार मोदी सरकार का डेटा है जो ये बताता है कि जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पर राजनीतिक हिंसा के मामले में त्रिपुरा नंबर 1 है। आप क्या बना रहे हैं इस प्रदेश को? मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहती हूँ जिससे कि लोग ये समझ सके और देखें कि क्या हो रहा है। आज कार्यकर्ता अगर झंडा लेकर निकलता है या पोस्टर लगाता है या किसी रैली में शामिल होता है तो शाम तक उसके यहाँ बीजेपी के गुंडे और गुर्गे पहुंच जाते हैं उसको धमकाने के लिए। उसके माँ बाप को ये बताते हैं कि देख कर रखना, लड़की को जाने दिया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। अगर कोई झंडा लगाने वाला मिलता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। 29 जनवरी को बीजेपी के गुंडों ने 19 जनवरी बीजेपी के गुंडों ने जो रक्त रंजन की कोशिश करी उसका जो परिणाम था वो सबने देखा। 11 अगस्त 2022 को सुदीप रॉय बर्मन उन पर अटैक हुआ रानी बाजार एरिया में, और वो तब पुलिस कस्टडी में थे, पुलिस की
अरेस्ट में थे, पुलिस के सामने, पुलिस के रहते हुए, पुलिस की उपस्थिति में अगर अटैक होता है तो वो नियोजित तरीके से सरकार द्वारा कराया हुआ अटैक है, सरकार द्वारा कराई हुई हिंसा। प्लीज फोन साइड। कैलाश डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैंडलाइज किया जाता है, कार तोड़ी जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं। 12 जुलाई को यहाँ पर हमारी कुलीग है सरिता जी, आशीष साह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक्स एमएलए हैं, 3 बार के एक्स एमएलए हैं, उन पर पत्थरबाजी होती है, उनके सर पर चोट आती है 26 जून को। और ये वाकया आप सब लोगों ने कवर किया है, ये इस देश के लोकतंत्र पे बहुत बड़ा धब्बा है। 26 जून 2022 को बाई इलेक्शन हुआ था, उस बाई इलेक्शन में सुदीप जी जीते थे, लेकिन उनको ऊपर ऐसा जानलेवा हमला किया गया था कि उनके खून से उनकी पूरी शर्ट लथपथी। और वो जब हम लोगों ने दिल्ली में वो फोटो देखी तो हम लोगों को लगा कि देश के एक हिस्से में इस तरह की हिंसा राजनीति में कैसे हो सकती है। और ऐसे तमाम वाक्य हैं, 19 जून को हुआ, फरवरी में हुआ, तमाम वाक्य हैं। एक हिस्सा हिंसा का है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को के ऊपर हिंसा करी जा रही है, दूसरा हिस्सा जो हिंसा का है वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। त्रिपुरा का नाम त्रिपुरेश्वरी देवी से आता है और जो भी हमारे धर्म को मानता है वो ये जानता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम औरत की पूजा करते हैं, हम औरत को देवी का स्वरूप मानते हैं और उस देवी जी के प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की यह स्थिति है कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट की रेप कैपिटल कहलाता है। 2.5 साल में 400 रेप केसेस हुए हैं, 18 रेप पर महीने हो रहे हैं, और ऐसे प्रदेश में जो एक देवी के नाम पर जिस प्रदेश का नाम पड़ा है, तो सरकार क्या कर रही है? ये वायलेंस जो है वो महिलाओं के खिलाफ होता है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ होता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस हिंसा से, इस वायलेंस से आप तक नहीं बचे हुए। जो पत्रकार सच बोलने की हिमाकत करते हैं, जो सच बोलने की हिम्मत करते हैं, जो हौसला करते हैं, उन पर भी अटैक किया जाता है। पत्रकारों से ज्यादा पर त्रिपुरा में फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उनके साथ शारीरिक रूप से हिंसा की गई है, उन पर हमले हुए हैं। और ऐसे तमाम ऑफिसर्स हैं जिन पर वैंडलाइजेशन हुआ है, जिनको जलाया गया है, जिन पर हमले किए गए हैं। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं दूंगी, लेकिन जैसे हल्ला बोल का ऑफिस हो गया, देवी देशों कोथा का हो गया, प्रतिबोधी कॉलम का हो गया, ऐसे तमाम ऑफिसेस हैं। तो क्या त्रिपुरा में विपक्ष भी सवाल नहीं पूछेगा? सत्ता पक्ष से मीडिया भी सवाल नहीं पूछेगी? और महिलाओं के ऊपर आप अपराध करते रहेंगे। चुनाव के बहुत सारे मुद्दे, हम इस चुनाव में बहुत सकारात्मक तरीके से बिजली की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जुमलों से आजादी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पहले वहां पर कानून व्यवस्था, शांति और अमन चैन का बना रहना बहुत जरूरी है। यहां पर सुशांत चौधरी जैसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में दूसरे एमएलए पर अटैक होता है, यहां पर पुलिस कस्टडी में रह रहे ऑपोजिशन के प्रतिद्वंदियों पर अटैक होता है, इसकी इजाजत एक सभ्य समाज, इसकी इजाजत एक लोकतंत्र कैसे दे सकता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों ने तमामों प्रेजेंटेशंस इसी के सामने किए, हम लोगों ने तमामों एफआईआर करी, एफआईआर करते हैं, कल बेल मिल जाती है, परसों वो व्यक्ति फिर से उस तरह के काम करते हुए पाया जाता है। तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा और रक्त के खिलाफ जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं। आज मैं सवेरे आशीष साह जी के डोर टू डोर कैंपेन में गई थी और जब हम लोग वहां पर जा रहे थे, कुछ महिलाओं ने कहा कि लोगों को आकर ये कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आपने वोट दिया, निकल गया, तो देखिएगा आपके साथ क्या करेंगे। हमारे देश की ताकत है लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र को क्षीण करके, उस लोकतंत्र को बर्बाद करके आप इस देश को तबाह करने का काम कर रहे हैं। और त्रिपुरा जैसे राज्य इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते हैं। सरकार को मजबूर करना चाहिए यह सोचने पर कि शांति से ज्यादा इस देश में कोई और विचार, कोई और मान्यता नहीं चल सकती है। और लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बहस करिए,
हम आपको घेरेंगे, आप हमें घेरिए। हम आपसे 10 तीखे सवाल पूछेंगे, आप हमसे 100 तीखे सवाल पूछिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन राजनीति में एक दूसरे के ऊपर हिंसा करना, पीटना अपने प्रतिद्वंदियों को, इसका लोकतंत्र सर्वथा इजाजत नहीं दे सकता। आप जब एक मुख्यमंत्री को और चुने हुए मुख्यमंत्री को ये ओछा बयान देना पड़े कि हमने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर और ऐसी कानून व्यवस्था की है कि ऑपोजिशन प्रचार कर सकता है, तो आप उस प्रदेश की कानून व्यवस्था का खस्ता हाल हालत खुद जान सकते हैं। अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर ये है कि ऑपोजिशन प्रचार करना कर पा रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब सुशांत चौधरी की प्रेजेंस में अटैक होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब पुलिस कस्टडी पर हमारे एमएलए पर अटैक होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब बाई इलेक्शन होता है और हमारे एमएलए के सिर फाड़ दिया जाता है और उसमें से खून बहता है, वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब मीडिया पर अटैक होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर कहां है जब 2.5 साल में 400 रेप केसेस होते हैं। तो इस तरह की ओछी बातें करना एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सूट नहीं करता है, लेकिन छाप मुख्यमंत्री से और मैं कुछ आशा भी नहीं करता।